हेलो फ्रेंड्स, मैं शीनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। आटा मारने के लिए मैं एक बड़ा बर्तन लूंगी, इसमें मैं 2 कटोरी आटा डालूंगी। मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मार लेंगे। आटा बिल्कुल रेडी है। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, कद्दूकस की हुई अदरक, कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, हींग पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और पिसा हुआ धनिया। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू को कद्दूकस कर लिया है, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा चटपटा पसंद है उस हिसाब से डाल लीजिए आप। नमक, ये मैंने 1.5 चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी। चुटकी भर हींग और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। और कद्दूकस की हुई अदरक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफ बिल्कुल रेडी है। देखिए, आप इसमें नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैं चटपटा ज्यादा नहीं खाती हूँ तो मैंने मिर्ची कम डाली है। इस टाइप से हम एक छोटी सी लोई लेंगे, इसको हम हाथ से ऐसे बड़ा कर लेंगे दबा दबा के। आप चाहे तो बेल के भी बड़ा कर सकते हैं इसको। इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मसाला लगाएंगे और इस टाइप से इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम सारी लोई बना लेंगे अपनी। इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे। बहुत हल्के हाथों से इसको बेलेंगे और थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे, जैसे कचौड़ी का साइज होता है। ज्यादा नहीं इसको दबाएंगे और नहीं फट जाएगी। इस टाइप से हम इसको इतना छोटा बेल लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी कचौड़ी रेडी कर लेते हैं। पहले इस टाइप से हम सारी कचौड़ियों को बेल लेंगे। अब हम इसको सेकते हैं। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, उसको गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम धीमी आंच पे ये कचौड़ियाँ सेकेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके कचौड़ी डाल देंगे। इनको अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। इसमें मैंने सरसों के तेल का यूज किया है, आप चाहे तो रिफाइंड या देसी घी में भी सेक सकते हैं। इसको पलट देंगे। इसको मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे सेका है। देखिए अच्छे से कितनी फूल रही है। कचौड़ी को हम जितनी स्लो आंच में सेकेंगे उतनी ही अच्छी बनती है, क्योंकि अगर हम आंच को तेज कर देंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसमें आटा आटा कच्चा आटा आएगा मुंह में खाने में।
ये सीख गई हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छे से इनका तेल निचोड़ लेंगे। आलू की कचौड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। हम इनको आलू की, टमाटर आलू की सब्जी, हरी मिर्च का अचार या आम का अचार, दही, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।